हेलो हाय अतरंगीज, वेलकम टू आवर चैनल अद्भुत अतरंगीज। आज हम बनाएंगे बथुआ की कढ़ी, वो भी पहाड़ी वर्जन में। देखिए कितनी यम्मी और टेस्टी है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आपने देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या मसाले लिए और इन्हें अच्छे से काट लिया। बथुआ को ले लिया, इसे अच्छी तरह से धो के चॉप कर लिया। और फिर हम एक डूंगा लेंगे, इसमें डालेंगे 4 चम्मच जितना बेसन, क्योंकि हम 4 कप जितना ही लस्सी मट्ठा या आप ताक भी कह सकते हैं वो ले रहे हैं। हमारी लस्सी यहाँ पर खट्टी वाली है। पहले हम 1 कप डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो बेसन की गुठली है वो खुल जाए अच्छी तरह से और इसमें ज़्यादा गुठलियाँ ना पड़े। जैसे हम इसको मिक्स कर लेंगे, हम बाकी बचे हुए 3 कप भी इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपकी लस्सी थोड़ी सी भी खट्टी नहीं है, तो आप उसे बनाने से पहले 1 घंटा पहले उसमें थोड़ा सा नमक डालकर एक गर्म जगह पर रख दें, तो आपकी लस्सी भी थोड़ी देर में जल्दी से खट्टी हो जाएगी। और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर। कड़ी में हल्दी थोड़ी ज़्यादा चाहती, ताकि इसका येलो कलर एकदम अच्छा दिखे, और इससे ज़्यादा ना डालें, नहीं तो हल्दी का बहुत गंदा सा टेस्ट भी आ सकता है। और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जितनी हींग। और जैसे ही कड़ी उबलेगी तो हल्दी अपना रंग अच्छा ले लेगी, तो आप ज़्यादा हल्दी ना डालें। और हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे सरसों का तेल। हम सरसों के तेल में पका रहे हैं। अगर आपको कोई और तेल में बनानी हो, देसी घी में बनानी हो, वो आपकी पसंद से आप कोई भी ले सकते हैं। और जैसे ही तेल गर्म हो जाए, हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितना जीरा और 1 चम्मच जितनी काली सरसों के दाने। और जैसे ही तेल ये दोनों भी तड़क जाएंगे, हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक। और इन्हें थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे स्लाइस की हुई मिर्चें, और हम इसमें प्याज भी डाल देंगे स्लाइस किए हुए। और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। हमने प्याज को लगभग 5 मिनट तक भूना है, ताकि इसका मॉइस्चर काफ़ी हद तक निकल जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे बथुआ कटा हुआ, और इसे भी अच्छी तरह से डाल डालकर भून लेंगे, जब तक कि इससे तेल सेपरेट होने ना लग जाए। हम इसे कवर कर नहीं पका रहे, नहीं तो जो बथुआ का पानी है वो बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, इसलिए हम इसे ओपन में ही पका रहे हैं। और इसका जो मॉइस्चर है, जितना ये लूज़ करेगा उतना कर लेगा, और यह थोड़ी सी ड्राई ड्राई सी हो जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे कढ़ी की सबसे मेन इंग्रेड कढ़ी पत्ता। हमने 2 टहनी जितना ले लिया है कड़ी पत्ता, और हमने इसको पूरी लकड़ी के समेत डाला है, इसके स्टेम के साथ ही डाला है मतलब। अब जैसे ही मिक्स हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे कढ़ी का घोल, जो हमने पहले स्टार्टिंग में बना कर रखा था,
और इसे निरंतर चलाते रहे। अगर आप इसे नहीं चलाएंगे तो ये फट जाएगी, फिर बाकी तो राम ही रखे। तो इसलिए आप इसे नॉनस्टॉप चलाते रहे और इसे भूले नहीं, नहीं तो ये फट जाएगी। लाते रहे, पकाते रहे। हमने अभी तक कढ़ी में नमक नहीं डाला है, क्योंकि जैसे हम नमक डाल देंगे तो हो सकता है कढ़ी फट जाए, इसलिए कढ़ी में नमक उबलने के बाद ही डाले। देखिए कढ़ी उबलते उबलते इसने कितना अच्छा येलो कलर ले लिया, इसीलिए आप ज्यादा हल्दी ना डालें। जैसे ही कढ़ी पकती है हल्दी अपना रंग पकड़ लेती है और ये थिक भी होने लगी है। अब देखिए इसमें बॉईल आ गया। अब हम इसमें पानी मिलाएंगे थोड़ा सा। देखिए हमने इसमें पानी डाल दिया है, बस अब हम इसे छोड़ भी सकते हैं, अब ये फटेगी नहीं। अब हम इसमें डाल देंगे नमक, क्योंकि जो कढ़ी है पक चुकी है, उबल चुकी है, अब इसके फटने की चांसेस कम हो चुके हैं। बस थोड़ी देर बाद देखिए ये कितनी क्रीमी हो चुकी है। हम जब तक इसे पकाएंगे जब तक ये थोड़ी सी रिड्यूस नहीं हो जाती है। आप चाहे तो आधी तक रिड्यूस कर सकते हैं, बट हम इसे थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे बस, और इसे थोड़ी देर के लिए ढक भी देंगे और चेक करेंगे बाद में। देखिए हमने थोड़ी सी ही रिड्यूस कर ली है और ये कढ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। कढ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से एक तड़का। इसके लिए हमने एक तड़का पैन में डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। आप चाहे तो जिस मर्जी से लगा सकते हैं तड़का, बट घी का तड़का इज बेस्ट। और इसमें हम सिर्फ डालेंगे सूखी दो लाल मिर्च और गार्लिक। आप चाहे तो कुछ भी डाल सकते हैं, जीरा भी डाल सकते हैं, बट हम जीरा ऐड कर चुके हैं तो इसलिए हम दोबारा नहीं डाल रहे हैं। तो हम यहाँ डालेंगे दो सूखी मिर्चें लाल और स्लाइस किया हुआ गार्लिक यानी कि लहसुन। हमें लहसुन को थोड़ा ब्राउन सा भूनना है ताकि जो कढ़ी में बहुत अच्छा गार्लिक फ्लेवर आए। थोड़ा सा हिला देंगे ताकि गार्लिक एक जगह से काला न हो जाए। बस बस काढ़ा, इतना ही हमें तड़का पकाना था। अब हम इसमें जस्ट ऊपर से डालेंगे लाल मिर्ची और कढ़ी के ऊपर ये तड़का पोर कर देंगे। देखिए हमने डाल दिए लाल मिर्ची और इसे थोड़ा सा हिला देंगे और इसे कढ़ी के ऊपर पोर कर देंगे। हमारी यमी टेस्टी यमी यमी टेस्टी बनकर कढ़ी तैयार है। हमने कढ़ी को हैप्पी मील की तरह सर्व किया। देखिए अगर आपको ये हैप्पी मील पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।